आपने तो भगवान की कृपा मास्क लगाड़ो है, दो दो बीघा खेत भी किया है कि मैं उबा मैं कि भेजो गाल दी माड़ा गला में तीन तीन वोट आया। भगवान ने आपने खुद ने याद करना पड़ी थी मास्क में हलोड़ की नहरा को नहीं है क्यों नरेगा में जावा चौकड़ी बोली मत खोदो लेकिन बट हाजिर वह जगह आप तो मिले ना मैं थार जेठा को लगो एक बार हाथ जोड़न जयकार लगाओ अटाको नहीं बच्चे तान से न ठोगी हो। थोड़ी मारी भाषा खड़ी भाषा है नागौर पाली जोधपुर की 3 जिला री बॉर्डर में मेरो गांव है। चलो संस्कृत में बोला अच्छा कोनी आवा आपरे अंग्रेजी बोलू अट आर यदि जे नहीं बोलो तो अपनी जे कोई लोग बोलाएगा आडी हेर कई मुंडा बांधीड़ा बारा हमेड़ा उबा हाँ कड़े एकलो मिलेर कने जे बोलो कि माशक में हाल ओळखी जे नेरा कोनी है गाती कौन है अपनो कौन है आप तक है कोरोना वाला बढ़िया है कई बे जेवो बोलो नाले आए उड़ा है हाँ अरे कई कह रही बोलाई दी है अरे कह रही बोले जावे बड़ा प्रेम एक बार भगवान ने जयकार लगो परमपिता परमात्मा ने याद करना है साहब आपने जागरण में फॉर्मेलिटी नहीं करनी है ओम जी बोला वे ताने बोल नहीं ना मैं सिर्फ एक माध्यम हाँ भगवान ने अपने खुद ने याद करना पड़ी स्वयं याद करना पड़ी हाँ क्योंकि लाइट जो तार उगाड़ो है अरे इरे हाथ मैं लगाऊं तो करंट केवल मारे आई आको नहीं मारे हाथ लगाना अगला गांव में शॉर्ट सर्किट हो जाए ना जब कोई याद करी भी ना भगवान मिले हाँ बैठोड़ा आया तो नितर यहाँ गोतोखार तो क्यों ना शरीर ने थोड़ा कष्ट देवा ताकि उस परमपिता परमात्मा के चरणा में अपनी हाजिरी तो लागे कम से कम क्यों नरेगा में जावा चौकड़ी बोली मत खोदो लेकिन बट हाजिर वह जगह ना हफ्तों मिले घरे उतड़ी कोई हफ्ता कौन देवे चाहे देरानी है चाहे जेठानी है यार चाहे अगो जेठू तो भले मेट बनियोड़ो वो घरे उतड़ी ना हफ्ता कौन मिले हफ्ता तो उठे चौकड़ी में बैठी जगह ना मिले चाहे वह खोदो और चाहे मत खोदो चाहे पावड़ो खवा माता है चाहे हिरांची दियोड़ो है हाजिर की हती है बड़ा प्रेम एक बार माता बहन आपने भी जयकार लगानी है हाँ हमको मत करो ना मैं थारा जेठाने को लगो हाँ कई घूंटा में बोले ही नहीं आप तो भगवान की कृपा मास्क लगाड़ो है बड़ा प्रेम हो आप लोग मुंडा माता मास्क लागोड़ा माने लाग रही हो कि नहीं बोलो तो एक बार हाथ जोड़न जयकार लगाओ ताकि गुरु जी भी देखे कि सब वक्त हाजरी लागोड़ी है हाँ एक बार बड़ा प्रेम ज्यादा बार बार नहीं कहवाला बोले श्री गौमाता की श्री कृष्ण कन्हैया लाल की बोले माता पिता गुरुदेव की बोले गौमाता की। अबे बहुत बहुत धन्यवाद है अबे कोई नहीं बोली जगह ने अहमदाबाद है हाँ ये कुमरा मेला में कोई लारे रखो समझ लो वो बिना टिकट की सवारी इनका टिकट अड़ाई फाटक में उतर गई हाँ। क्योंकि भाषा बतायो पहली हरुआत चौकी में ना एक बात आनंद ही आनंद है शुरुआत चौकी में हाँ 11-12 बजे तक खेत में निनाण करवाड़ो ले जावा ना 11-12 बजे तक तो उम्र छोका निवेदन मन में विचार आवे आदमी तो बैठो काम वालों है आ टाको नहीं बच्चे तान से ना ठोकी हो हाँ हरुआत में बैठो चेर उम्र लेवे कहीं हो लापा लेवे हो हाँ। तो शुरुआत चौकी में चाहिए हाँ जो धनी रो भरोसा कर लियो ना मैं जमकनू भी पाचा आ गया क्योंकि भरोसा सबसे बड़ा है आपने भी भरोसा है। थोड़ी मारी भाषा खड़ी भाषा है नागौर पाली जोधपुर की 3 जिला री बॉर्डर में मेरो गांव है थोड़ी दूरी समझ में आवेला घड़ी दो घड़ी आज आई आवे ना समझ में आ रही है आपने आ रही है एक बार ईमानदारी हाथ खड़ा करो किरकिर नहीं आवे धन्यवाद। चलो संस्कृत में बोला अच्छा कोनी आवा आपने अंग्रेजी बोलू टू द हेडमास्टर हाँ माता बहना देड़ा ऊंचा हाथ करिया कोदी के कोरोना में ले रहा है लाश्रम नहीं भगवान को दरबार है कोई लाश्रम नहीं है भगवान को पंडाल है इजाजमा तो जीता भी बैठा सब भगवान परमपिता परमात्मा रा वंशा हाँ जिन्हें भी काना में भगवान के शब्दों की गुरु महाराज जी वाणीरी जी की आवाज पहुंचे ना आवाज पेट में 1000 करेड़ पाप जगह मारे लिया हुआ है आप बोलो ना जय हो। एक बार विष्णु भगवान ने नारद जी पूछे प्रभु ये गौणिया बार बार बोला हुआ जय हो जय हो जय हो वो कई कारण है। विष्णु भगवान बोलिया कि जीतीवार आदमी जयकार लगाओ ना जय हो जय हो जय हो तो वो पेट में जीतो भी पाप में भरा हुआ है हो है। नारद जी पूछियो बाबू जी 1000 आदमी वे 1000 आदमी दो दो बार जेवा बोले 2000 पाप हुए 2000 पाप भरा हुए जावे घटे पंडाल छोड़ जावे बोले पंडाल छोड़ नहीं जावे वो पाप ही उठे घूमे क्यों जेटे धर्म है जेटी पाप ने कटी कटी तो जगह देवी देवे सुगरा है जेटे नुगरो आवे हाँ यार पाप तो समाधान है कोई होलसेल है कोई रिटेल है पाप तो हराई लिया बेटा कोई कने थोड़ो और कोई कने घणो है। तो पूछे बाबूजी वो पाप जावे कटे? विष्णु भगवान की पाप पूरा आदमी कने जावे जको जे नहीं बोले बिग माए पड़ जाए पाचो है हो। तो भगवान को जयकारो लगनो भी बहुत जरूर। सत्संग में कभी लाज शर्म नहीं करनी। मैं इतना मोटा घराना में जलवेड़ो हूं, मैं जेव बोलू जड़ो हूं, गए नहीं बोले जड़ो थारी कोई बोला है गाड़ी। हमारे गांव में 3 जनारी बोल गई, 35-35 लाख में बोली है, 2-2 बीघा खेत भी किया है कि मैं उबा मैं कि भाई जाओ डाल दी माड़ा गला में 3-3 वोट आया। जब मैं बोल गई हाल ऊपर लो पानो नहीं है 55 साल तो मारो दो तो खूणा पेचन लार छुट्टी है। जयकर नहीं बोली जाए, जयरो कोई ठिकानो नहीं है साहब, जयकर नहीं बोली सके यार। भगवान की जय उन घर में बोली जा करे जिन घर में संता को पदार पड़वे, जिन बस्ती में संत आवे तो हमेशा जय जयकार भी आ करे। हाँ, तो ये अलाई की पावन धरती है और अपने बीच में ये संत महापुरुष संत श्री राजा राम जी कृपाराम जी महाराज अपने बीच में हाजिर है। अपना बहुत बड़ा भाग है। जिन संतानी दृष्टि भी अपने माता आवे तो अपना लाखों पाप एक दृष्टियों जड़ जावे साहब। संतारी शरण में जय बोल रहा हूं तो घड़ा घड़ा पाप जड़े। हाँ, तो माता बहनों आपने भी बोलनी सब वास्ते बराबर है, क्योंकि संतों की नजर में सब बराबर है। समदृष्टि सारा पर देखे क्या मिंत्र क्या द्रोही, अरे मंदरे ऐसा सदगुरु जोई, भक्ति योग ज्ञान वैराग शीलवान निर्मोही। संतान वास्ते सब बराबर है, कोई अमीर गरीब ऊंच नीचरो कोई भेदभाव नहीं है। तो बड़ा प्रेम एक जयकारो लास्ट लगा है बोले प्रेम से श्री गौ माता की। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बार बार थाने नहीं कहूँ हाथ ऊंचा करो जय बोलो, मैंने ध्यान घड़ी दो घड़ी होते परेशान हो जाओ तो जय बोल लू था कि जय बोल लू बैटरी मांगी चार्ज जो है। महात्माओं ने कहा कि वक्ता में गुण 1, श्रोता में गुण 4, यार दोनों को मतो एक वे जना उजिया सुबह तई बैठो। अपन दोनों को मतो एक गुणो, क्योंकि गोली और बंदूक भेड़ो वेजड़ो भटीड़ो बोले। अब गोली जेब में गलोड़ी बंदूक रो घोड़ो दबो दगा कोई फटीडा कौन बोले यार। गोली घाल दो महिला पाड़ दे भटीड़, अरे साहब नौका मंडी भजीड़ होनी जाए तो राम जी ने नावरी गोली है। सत्संग में कभी लारे नहीं रहना, फ्री रो मामलो जागरण जागरण और जयकारो कोई बचिया करे अपा रहे। महात्मा एक भजन में कही और ना कोई गीसे जीवड़ली ना कोई लागे राम, अरे ना कोई पंथ निवारणो तो क्यों नहीं सुमरे राम, अरे मना मुख राम रतीजे और पिड़ियो जैसा क्यों नहीं। और फिर रो मामलो है सुबह सुबह रो टाइम हो डोगरा गीबरा नागौर दगे गया वल्लभ चौक रे जोधपुर मिष्ठान भंडार में पड़ गया। मिष्ठान भंडार वाला ने कहे भाया तेरी दुकान में गर्मा गर्म गई है। बोले बाबा थाने कहीं चाहिए? बोले गर्मा गर्म। बोले कचौरी? बाबू बोलियो कचौरी गर्म। बोले समोसो? बाबू कहे समोसो गरम। दुकान वालों कहे कोफ्तो। बाबू कहे कोफ्तो गरम। अरे बाबा मिर्ची बड़ो। बाबू कहे मिर्ची बड़ो गरम। दुकान वालों कहो वेगो क्यों बाबा बाजी रो खीरो क्यों एक प्लेट। वो दुकान वालों प्लेट में 3 खीरा लिए राता लाल। बाबू छोटी देर से ही बंडल बारे काटियो बीड़ी टोचन करी खीराऊ और रवाना वेगो। दुकान वालों पूछियो बाबा कहीं भी हो? अरे माचिस कौन रहे हूं देखियो कौन रिपियो मांगे थरकम सत्ता गर्मा गर्म मिला है हाल तो दुकान खोली है। तो ये फ्री का मामला साहब। हाँ बस जी तो लाओ लेनो जी तो ले लो, शंको कोई नहीं करना है। गुरु महाराज अपने बीच में विराजमान है। आज सब शंको जो को बाबूजी ने बोलाई दो देव जी महाराज तो हेलो मारन बोलायो। मैं अर्ज करूं गुरु थाने चरणा में राखो माने हमारी लाज शर्म। बाबूजी आपने मारी लाज शर्म सब थाने यार हेलो चोड़े सुनो चाहे छाने। अरे मैं अर्ज करूं गुरु थाने चरणा में राख जाओ माने। इस वास्ते लाज नहीं करनी। महाराज कोई कथा करया कथा करे कथा में बोले रघुपति राघव राजा राम पतित पावन। सब जना बोले रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। भाई बोले रघुपति राघव राजा राम। भाई बोले रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। पीछे कोई बूढ़ा माता जी बैठा आशी वर्गा और नारो बोलो मुंड दियोडोर करे रघुपति राघव राजा राम मारा समुड़ी रा भैसा ऊ राम। ओ नारो बोलो मुंड देर के समुड़ी रा पैसा ओ हो राम। महाराज क्यों भाई जी या को कर भी हो? बोले मारे घर धनी को ना हो सीताराम जी मैं ना हूं लेऊ को नहीं। बोले माता जी नाव लेवो कहीं वे। अरे महाराज थाने टाको नी उम्र छोटी वे आगे मारे आधार कार्ड रो कोनो फाटोड़ो पड़ियो मने गणे गणे डोगरा रो बेम आवे डोगरो कटी हडक माती तो नाव लेवो उम्र छोटी कोनी वे नाव लेनो उम्र बढ़िया करे। कई जना कहे धनी को नाम लेना उम्र छोटी वे एने पूछो नाम लेना उम्र छोटी वे ए नागौर जावे मोटरसाइकिल मत वे एक बार पग कर परी खूणी देवे खाओ मत जन उम्र लंबी वे। लारू ऊंची वेड़ी मानसर चौराहे में खांगी वेड़ी गया पी पर पल्सर लारू ए पर ऊंची। संतानी हसो छोटी ज्ञान।